अच्छा जी, पाकिस्तान में जो बैंक्स हैं मुख्तलिफ, वो जो भी आप नफ़ा नुकसान वाला अकाउंट खुलवाते हैं या कोई सर्टिफिकेट उनसे लेते हैं तो उस पर प्रॉफिट देते हैं, लेकिन इस प्रॉफिट की जो रेशो है ये बैंक टू बैंक बहुत मुख्तलिफ है। और ये बड़ी हैरान कन चीज़ है कि एक बैंक जो है वो आपको प्रॉफिट कुछ दे रहा है, दूसरा बैंक बहुत ही थोड़ा प्रॉफिट दे रहा है। तो ये चीज़ जो भी लोग अपने जिन लोगों ने डिपॉज़िट वगैरह कराया हुआ है और उस पर प्रॉफिट लेते हैं, उन लोगों को ये चीज़ एनालाइज़ करनी चाहिए कि कौन सा बैंक जो है वो मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहा है, और कुछ बैंक्स जो जस्ट बिल्कुल माइनर सा प्रॉफिट दे रहे हैं उनसे उनको जान छुड़ानी चाहिए। तो मेरे पास ये दो स्टेटमेंट्स हैं, इसमें देखें दो बैंक्स हैं, ये एक फ्रंट साइड पे स्टेटमेंट है, एक मैंने बैक साइड पे रखी हुई है। दोनों बैंक्स के अंदर सेम डिपॉज़िट है और बंदा है नॉन फाइलर, ठीक है, बंदा है नॉन फाइलर, यानी सेम 30% उसका जो है टैक्स कट रहा है दोनों बैंकों में। तो इसका प्रॉफिट देखिए, पहला जो बैंक है इसमें 23 लाख के डिपॉज़िट के ऊपर 16,100 रुपये महाना इसको आ रहे हैं, ठीक है, 16,100 रुपये महाना। और दूसरा जो बैंक है इसके अंदर 23 लाख का डिपॉज़िट है, उस पर 23,600 इसको आ रहे हैं महाना, ठीक है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये प्रॉफिट जो है इसमें कितना बड़ा डिफरेंस है। अब यहाँ पे मंथली इस बंदे का 7,000 7,500 का फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। दोनों बैंक्स में डिपॉज़िट की अमाउंट सेम है, बंदा दोनों बैंक्स में डेफिनेटली, अगर नॉन फाइलर है तो दोनों बैंक्स में नॉन फाइलर है, दोनों पर बैंक्स 30% उसका काट रहे हैं। तो अब ये बंदा जब फाइलर होने के लिए आया तो बड़ी हमें हैरत हुई इस चीज़ पे कि ये जो बंदा है इसका प्रॉफिट देखें कि कितना डिफरेंस इसका आ रहा है। 7,000 7,500 महाना जो है ये तकरीबन आपका जो सालाना है ये 1 लाख के करीब बन जाना है डिफरेंस दोनों बैंक्स का, यानी एक बैंक और है एक बैंक और है, तो एक बैंक का जो टोटल प्रॉफिट साल का है दूसरे बैंक का 1 लाख रुपये का उसका फ़र्क है। तो ये चीज़ आप इंश्योर किया करें जो लोग भी बैंक का प्रॉफिट लेते हैं कि उनका बैंक कहीं उनसे कोई मतलब थोड़ा प्रॉफिट तो नहीं दे रहा, क्योंकि बहुत से बैंक्स हैं, मैं उनका नाम नहीं यहाँ पे ले सकता, ठीक है। आप ये चीज़ ख़ुद इन्वेस्टिगेट करेंगे कौन सा बैंक कितना प्रॉफिट दे रहा है। इसका जो असल तरीक़ाकार है, वैसे तो बैंक के में जाएंगे तो बैंक का स्टाफ भी मोस्टली सही ही बताता है, ठीक है, लेकिन असल इसमें जब ये स्टेटमेंट आपके सामने आती है तो फिर पता चलता है असल जो 100% है एक्यूरेट चीज़, वो स्टेटमेंट से ही पता चलती है कि अब ये मेरे सामने है कि एक बैंक जो है महाना 16,100 सेम डिपॉज़िट है, डिपॉज़िट की अमाउंट क्या है 23 लाख दोनों बैंक में, एक बैंक में 23 लाख दूसरे बैंक में भी 23 लाख। तो एक बैंक 23 लाख पे दे रहा है 16,100 महाना और दूसरा बैंक दे रहा है जी 23,600 महाना। तो इसमें आप डिफरेंस देख लें, मैंने बताया आपका जो साल का है तकरीबन 1 लाख के राउंड अबाउट अमाउंट जो है वो बन जानी है डिफरेंस दोनों बैंक्स का, ठीक है। तो ये चीज़ आप इंश्योर करें। तो इसमें हमारे भी जानने वाले थे, उनका पड़ा हुआ था अमाउंट काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई थी, तो उस पर बैंक्स जो है बड़ा माइनर सा प्रॉफिट उनको देते थे और वो ज़कात में कट जाता था, तो उनको कभी कोई प्रॉफिट मिला ही नहीं था। तो पाकिस्तान में बहुत से ऐसे बैंक्स हैं जो सिर्फ जो है लोगों को बुद्धू बना रहे हैं। तो इस चीज़ में आप जो है केयरफुल रहें और ख़ुद से आप एनालिसिस करें आपके जो अकाउंट्स हैं, मेरे से आपने कमेंट्स में नहीं पूछना, ठीक है, क्योंकि मैं ये चीज़ जो है इसको पब्लिक नहीं यहाँ पर कर सकता, ये चीज़ आप ये अपनी ज़िम्मेदारी है। आपने ख़ुद से दूसरे अपने जो रिश्तेदार वगैरह हैं उनकी स्टेटमेंट्स पे देखें कि उनको, या उनसे पूछ लें कि भाई तुम्हें 1 लाख रुपए पे कितना प्रॉफिट साल का मिलता है, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन से बैंक जो हैं वो डंडी मार रहे हैं और कौन से बैंक जो हैं वो आपको सही प्रॉफिट दे रहे हैं, ठीक है जी।